कलम ले लो कलम, एक का 20 रुपया। कोई खरीद ही नहीं रहा है, ऐसा चलने से कैसे होगा? मैं घर में क्या लेके जाऊंगी, माँ को क्या दूंगी? ऐसा चलने से आज भी हम लोग को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे आज कुछ करना ही पड़ेगा, मैं कलम बेच के ही जाऊंगी। ये अंकल को पूछ लेती हूँ, शायद खरीद ले। अंकल अंकल कलम खरीद लीजिए ना, कोई नहीं ले रहा है। ये कितना का है कलम? एक का 20 रुपया। ये तो ज्यादा हो गया, 10 रुपए में दो। नहीं होगा। बेचारे गरीबों को कितनी दुख और कष्ट भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे तक आ जाते हैं सड़कों में अपने सामान बेचने के लिए। एक तरफ हम लोग खुशियां मनाते तो दूसरी तरफ ये लोग दुख और गम वाली जिंदगी जीते हैं। फिर भी कोई इनकी मदद करने नहीं आता है, कैसी दुनिया ये? नहीं लूंगा कुछ। नहीं नहीं नहीं, लीजिए लीजिए दो। धन्यवाद। सिर्फ दो कलम ही बेच पाए, वो भी 10 रुपये में, इससे क्या होगा? कल भी कुछ बेच नहीं पाए, आज जैसे भी बेचूंगी। काश मैं स्कूल पढ़ पाती तो कितना अच्छा होता। ये गरीबों की जिंदगी तो नहीं जीने पड़ती। इन लोगों से पूछ लेती हूँ, शायद ले ले। भैया क्या चाहिए तुम्हें? खरीद लो ना, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, मेरा मम्मी भी नहीं खाया है। नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग के पास पैसे नहीं, हम लोग कैसे खरीदेंगे? फ्री में दोगी? नहीं। तो फिर नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। चलो। किसी ने भी कलम नहीं खरीदा, लगता है अब हमें हमेशा के लिए भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या करूं, लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों हमारी मदद नहीं करते? जब हम लोग भीख मांगते तब बोलते हैं खुद कमा कर खा, और जब हम लोग कुछ बेचते हैं तो खरीदते ही नहीं। ये कैसी जिंदगी है? अरे ये तो वही छोटी सी लड़की है जो अपना कलम बेचती थी, पर ये रो क्यों रही है? लगता है आज इसका कलम किसी ने नहीं लिया। हाँ जाके देखता हूँ। अरे बेटी क्यों रो रही हो तुम? मेरा कलम किसी ने नहीं खरीदा। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा एक कलम कितना है? 20। एक कलम का 20? आप लोगे? हाँ मैं लूंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा मम्मी और मैं। तुम्हारा मम्मी क्या करती है? मेरा मम्मी दूसरों के घर में काम करती है, और उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता इसलिए मैं काम करती हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुम स्कूल पढ़ती हो? नहीं। क्यों? स्कूल पढ़ती थी लेकिन फीस ना भरने की वजह से स्कूल से निकाल दिया। अच्छा तो ये बात है, एक काम करो तुम्हारा सारा कलम मुझे दे दो। हाँ। कितना हुआ? 100 हुआ, ठीक है। ये रखो तुम पैसे। ये ज्यादा हुआ। रख लो, कोई बात नहीं, रख लो। नहीं लूंगी। रखो रखो, ये पैसे तुम अपने मम्मी को देना, और मम्मी को बोलना कि तुम्हारे स्कूल में जाके तुम्हारी फीस भरवा दे, ठीक है? हाँ। तुम स्कूल पढ़ना चाहते हो ना? हाँ। दूसरे के साथ स्कूल जाना चाहते हो ना? हाँ। तो ये पैसा मम्मी को देना, ठीक है? मुझे प्रॉमिस करो कि ये मम्मी को दोगी, प्रॉमिस करती हो ना? हाँ। ठीक है चलो, ये कलम भी तुम ही रख लो। नहीं। रखो। नहीं लूंगी। रखो रखो। आप ही रखिए, मैंने आपको बेचा था ना। अरे रखो ना, कोई बात नहीं, रखो। नहीं लूंगी, आप ही लीजिए। अरे रखो ना। नहीं लूंगी, धन्यवाद। ये कितना ज्यादा पैसा मिला, कितने अच्छे भैया थे। अब मैं स्कूल पढ़ूंगी, ये मैं भी स्कूल जाऊंगी। अब मुझे बस अच्छे से पढ़ना है।
और मुझे बड़ा इंसान बनना है। ये